निदा के शुरू में लड़ाई होती थी ना मेरे निदा की, नहीं नहीं शादी हुई थी हमारी, बस सामान उठाया चली गई मेरी घर, वो तो दूर है, दूसरे दिन नहीं करीब ही है, फिर दूसरे दिन जाके मैं लेके आता था, चलो जा कर आ जाओ, फिर दूसरी दफा हमारे यहाँ एक रात भी नहीं होती यार, फिर लड़ाई, इन्होंने भी पैसे दिए, फिर लड़ाई हुई, इन्होंने पैसे दिए, फिर लड़ाई हुई, फिर निदा सामान पैक किया मेरी घर चली गई, फिर राशि भाई दो दिन गए थे लेने के लिए, ये कोई आठ दस दफा हुआ है, कोई नहीं आठ दस दफा है, फिर दसवीं दफा मैं लेनी नहीं है, महीने तो मैं घर बैठा रहा, मैं यार एंजॉय करूँ यार, लोग तरसते इस चीज के लिए, उसके बारे तक भी नहीं गया छोड़ गई, महीने तक कब बैठी हूँ मैं भाई, भाई आप आखिरी मरतबा, वो याद ही नहीं आपको, मैं कहता इसी बात पे आप लड़ाई करके अलग अलग, मैं लेनी नहीं है, मैं लेके आता हूँ ना, ये तो आदत बना ली है, ठीक है ओके मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं सोचता हूं मानी मियां बीवी का अलग अलग कमरा क्यों नहीं है, ये मियां बीवी एक ही कमरे में क्यों सोते हैं भाई, नहीं होना चाहिए, हर बच्चों का अलग अलग कमरा होता है, ठीक है, नहीं अच्छा मियां बीवी का एक ही कमरा है, नहीं ये बल्कि अच्छा आपने सवाल उठाया, मुद्दा उठाया, बहुत से घरों में मियां बीवी एक पॉइंट पे आके अलग अलग सो रहे होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत है, गलत है भाई, आप साथ सोएं, फराटे ले रहे हो आप, जैसे भी हैं लड़े वड़े जो भी करें, साथ रहना साथ सोना जरूरी है ताकि आपका रिश्ता और मजबूत हो, ये और बहुत से घरों में है कि बीवी अलग सो रही है मियां अलग सो रहे हैं, मेरा मसला ये है कि कभी कभी मैं अलग इसलिए सोता हूँ क्योंकि मेरे एक बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो बच्चे अलग सोए ना, नहीं वो तो हेरा के साथ ही सोएंगे अभी, अच्छा दोनों के दोनों हेरा के दोनों हाथ जो बेचारी शल हो गए, मैं सोचता हूँ जब टीवी देखते रात को, अब बीवी सो रही है, उसको सुबह है स्कूल जाना है करना है, तो अब हमें हमारी सिचुएशन है हमें टीवी देखना है, वो कह रहे कि भाई हमें तो सुबह स्कूल जाना है, टीवी बंद करो हमें देखनी है, लेकिन फिर आप लोग लाउंज में जाके देखो, आप लोग कमरे में क्यों देख रहे हो, पलंग पे बैठ के खाना या, लेकिन वो वाला टीवी हमने हटा दिया, सोफा कमरे वाला टीवी हमने हटा दिया, कौन सा कमरे वाला टीवी हमने, आईडिया नहीं दे भाभी मसला समझे, सोफा आईडिया है हमारे पास, हमारे यहाँ पाकिस्तान नहीं होता है, जब हमें पता है कि पतला कैसे होता है, जब कोई मसला हो जाता है ना तो कहते हैं लोग कि यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, और मैं ये कहता हूं दूसरी शादी करके कोई टीवी नहीं देखने लगा, दूसरी शादी कौन कर रहा है, यही तो सोच रहे हम एक करके परेशान हो गए, आप कह रहे दूसरी कर लो यार, दूसरी शादी वाला आइडिया अच्छा नहीं है आजकल 2024 में, वो भी हाँ लेकिन एक बीवी और बाकी क्यों क्यों, देखो यार बस समझ जाओ एक दुख को लेके आप चल रहे हैं, नहीं मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करना चाहिए कि हर 15 साल बाद हस्बैंड की दूसरी शादी जरूरी है और बीवी कराए, ये तो जेल होगी बीवी को, देखो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इस आदमी को ऐसी खुशियां पूरी करने दो, तो हर इंटरव्यू में गवर्नमेंट को मशवरा दे रहा हूँ, हर 15 साल हर इंटरव्यू में यही बोलता है, गवर्नमेंट के जो काम है वो नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ ये काम वो कर लेगी, ये कर लेगी, ऑफ काम कर लेती, ऑफ काम ऑफ काम कर लेगी, जो काम है वो नहीं कर पा रही, चलो भाई ना मानी घर की मालकिन हूँ मैं, तो मैं ये देख रही होती हूँ भाभी लोकेशन की मालकिन, लोकेशन की वो दो किराया दो, टूट ना जाए कुछ, हाँ कुछ टूट ना जाए, जो टूटती है बाहर जाई होती है, लोकेशन में गया उसमें चीजों के नीचे पैसे लिखे हुए थे, नहीं यार 3000 2000 खुदा की कसम, मैं वैसे ही क्या एक डेकोरेशन में उठाया, मैंने देखा पीछे कीमत लिखे हुए, मैंने ये क्या बता के कह रहा तोड़ेंगे तो ये पैसे देने पड़ेंगे, नहीं यार मैंने बोला ये खुद से आपने डिसाइड किया भाई, इतने यार बंदा एक दफा मेरे साथ हुआ वो एक तो ये प्रोग्राम नहीं खत्म करने दे, जज्बाती एक्टर के साथ मैं एक्टिंग कर रहा था, तो उसमें ना मैं ऐसे वो बना हुआ था ब्लाइंड बना हुआ था, तो ना मुझे कहीं जाना था, तो वो कहता है चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ, गोद में उठा के ना मुझे घुमाता है, मेरे हाथ में स्टिक होती है, उसने ना बस अभी टेक भी नहीं है रिहर्सल टाइप चल रही है, उसने मुझे गोद में उठाया घुमाया, और वो एक डबल शैंडलियर टाइप की चीज ना रखी थी यूं करके लड़ियां बढ़िया, समझ लो के ना 2 लाख की, समझ लो के उन्होंने तो हमें 2 लाख बताया, लेकिन मैं देखते ही समझ गया था इतवार बाजार में छांड के लेके आए, वो घूमा ना वो मोतियों मोतियों में बिखर गया वो, क्योंकि वो डबल शैंड वो था एक लैंप था, लेकिन उसके लड़ियां थी बहुत सारी, पिंक कलर का था, अच्छा उस एपिसोड का बजट सारा, हाँ वो, और मुझे समझ में आ गई कि ये इतवार बाजार ढूंढ के दिखा, ये घुमा पूरे घर में फैल गया, मैंने जैसे अब मेरा नाम भी दानिश, अब मैं एकदम खामोशी हो गई, मैं भी हूँगा तो घर के मालिक ना एकदम फुल सूट में चप्पल पहन के ना वो एकदम आए,
क्या टूटा? मैं रिलैक्स रहे, मैं आपको पे कर दूंगा। प्रोड्यूसर मैं ही था, प्रोड्यूसर भी मैं था। मैं रिलैक्स रहे, मैं पे कर दूंगा। कलीम पैसे दे देना इनको यार, साफ करो, चलो चलो। अब वो भी आते ना, वो यूं आए, वो यूं आए कि क्या टूटा? मैं पे कर दूंगा, टेंशन ना लें आप जी, टेंशन ना लें। तो वो भी ना सुनने, ये क्या हुआ यार, ये पे ही कर देगा एक आदमी, बात ही कर रहा नहीं है, नहीं कि मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने कितने पैसे लोगे, ब्लैंक चेक। वो टाइप का सीन था ना, ये लो ब्लैंक चेक। अभी यूं हो गए, अब मैं सीन कर रहा हूँ तो कभी उनका बेटा घूम रहा है, अंकल बब्बू कह रहे हैं कितने वो चीज। हाँ बेटा कलीम पे करो यार, करो ना जी सर जी। अब कलीम भी कह रहा है अरे हमें ये तो बताओ कि कितना पे करना है, वो मेरा ही लाइन प्रोड्यूसर। अब मैं पूरी सीन टंग 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 शूटिंग हो रही है और उनके घर वाले ना अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, झांक रहे हैं कि यानी कि पे तो करेगा। मैंने वो लोकेशन की फीस के साथ में देता बजाऊंगा जी जी जी। पैकअप हो गया, लोकेशन के पैसे दिए, ये लें लोकेशन के पैसे। हाँ अरे वो टूट गया था ना, उसके पैसे दे दो जी जी। उसने पैसे ये हाथ में पकड़ा है, गाड़ी में हम चले गए। फिर उसका फोन आया, बहुत ही कम पैसे थे लेकिन इसके 500 रुपए देते तो हम फिर निकले इस तरह।